चंदनपुर गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता और गांव की मंडी में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद भी उससे उसका गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। एक दिन वह मंडी से लकड़ियां बेचकर घर आ रहा होता है, तभी वह अपने आप से कहता है, आज तो घर के लिए काफी लेट हो गया हूँ। आमदनी भी कल से कम हुई है। इस प्रकार मैं कैसे अपना गुजारा चला पाऊंगा? कल सुबह जंगल जल्दी आऊंगा ताकि अच्छी लकड़ियां ला सकूं। सुबह वह जल्दी ही अपने कहे अनुसार जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चल पड़ता है। काफी समय तक चलने के बाद वह जंगल में काफी गहराई तक पहुंच जाता है। आज तो मैं जंगल में काफी गहराई तक आ गया हूँ। अगर यहाँ जंगली जानवर हुए तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे, पर मुझे लकड़ियाँ यहाँ अच्छी मिल सकती है। ऐसा कहकर वह लकड़ियां इकट्ठी करने लग जाता है। कुछ समय तक लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद वह थक जाता है। ओहो, आज तो बहुत गर्मी है। लकड़ियाँ तो मैंने काफी काट ली है। चलो कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ। अरे यह तो कितना बड़ा पेड़ है, मेरी नजर इस पर पहले क्यों नहीं गई? इसकी लकड़ी बेचकर मुझे काफी पैसे मिलेंगे। चलो इसकी लकड़ियां काट लेता हूँ। रुको रुको, तुम मुझे नहीं काट सकते। अरे अरे यह किसकी आवाज थी? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि मेरे ही कान बज रहे थे। यह आवाज मेरी है। तुम बोल कैसे सकते हो? जैसे तुम बोल सकते हो, मैं एक जादुई पेड़ हूं और लंबे समय से यहाँ रह रहा हूं, पर तुम मेरी लकड़ियां क्यों काटना चाहते हो? यही तो मेरा काम है, इसी से मेरा गुजारा चलता है। अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। अगर तुम जादुई पेड़ हो तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है। मैं इसका क्या करूंगा? यह तो मेरी मदद भी नहीं कर सकेगा। यह कोई मामूली तोता नहीं है, यह जंगल का चप्पा चप्पा जानता है। अच्छी लकड़ियां ढूंढने में यह तुम्हारी मदद करेगा। राजू तोते के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वह जाते हुए तोते से पूछता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम सच में जंगल के बारे में जानते हो? मेरा नाम पोपट है और मैं जंगल के हर हिस्से के बारे में जानता हूँ। मुझे पता है कि हमें जंगल में सबसे अच्छी लकड़ियाँ कहाँ मिल सकती है। तो ठीक है, कल सुबह वहां जाएंगे जहाँ से हमें अच्छी लकड़ियाँ मिलेगी। जंगल में सबसे अच्छी लकड़ियां हमें पश्चिम में मिल सकती है। चलो वहीं चलते हैं। तो ठीक है, हम उसी तरफ चलते हैं। ओहो ओहो, तू चौपट में पोपट, मैं तेरे बिन एकदम चौपट। सुबह हुई शाम हुई बस तेरे नाम, तेरे लिए नाचू तेरे लिए गाऊं, तेरे सिवा मुझे और क्या काम। ओहो ओहो, तू चौपट में पोपट, मैं तेरे बिन एकदम चौपट। सुबह हुई शाम हुई बस तेरे नाम, तेरे लिए नाचू तेरे लिए गाऊं, तेरे सिवा मुझे और क्या काम। अरे वाह, यहाँ तो सचमुच बड़े बड़े पेड़ हैं। इनकी लकड़ियों के तो कई गुना दाम मिलेंगे। इस प्रकार राजू लकड़ियां इकट्ठी करने लग जाता है। काफी समय तक लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद वह उन्हें बेचने के लिए बाजार की तरफ चल देता है। अरे भाई राजू, आज तो तुम बहुत कीमती लकड़ी लाए हो। कहां से मिली इतनी अच्छी लकड़ियां? मैं इन लकड़ियों को तुम्हें 4 गुना दाम दूंगा, पर ध्यान रहे, तुम इन लकड़ियों को मेरे सिवा किसी और को नहीं बेचोगी। ये लो तुम्हारी आज की लकड़ियों का दाम। इस प्रकार अब रोज राजू तोते के साथ जंगल जाता और वहां से अच्छी लकड़ियां लाकर गांव की मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता। अब धीरे धीरे उसका जीवन स्तर पहले से बेहतर होने लगा।